लोकसभा चुनाव परिणाम आने में अब 24 घंटे से भी कम का समय बाकी रह गया है और जैसे जैसे समय घट रहा है वैसे वैसे भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। कारण है शुरू से ही लगातार 400 पार का नारा और अब जारी एग्जिट पोल के नतीजे जिनमें से कुछ के आंकड़े 400 को छूते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद से दरभंगा में जश्न का माहौल है। समर्थकों का विश्वास इतना अधिक है कि वो 400 ही नहीं बल्कि उससे कई अधिक सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। हालांकि नतीजे क्या होने वाले हैं ये कल स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर और ये जोश देखिए। एग्जिट पोल आया है, क्या लगता है कितना 4 जून को जो नतीजे आने वाले हैं कितना सही साबित होने वाला है? कल हमने एग्जिट पोल देखा है और अलग अलग न्यूज़ चैनल के अलग अलग उसके रुझान दिखाए जा रहे हैं, जो 350 से लेकर 400 के बीच के सबके रुझान दिखाए जा रहे हैं एग्जिट पोल के अनुसार। लेकिन देखिए, एग्जिट पोल एक माध्यम होता है वो आंकड़ा लगाने का कि लगभग इतने सीटें आ रही हैं, लेकिन हमारा मानना है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग 400 पार करने वाले हैं, यानी 400 से कहीं अधिक सीट आने वाली है, क्योंकि एग्जिट पोल 400 तक ही 401 तक का दिखाया जा रहा है जैसा हम देखे थे, लेकिन हमको लगता है कि 400 से कहीं ज़्यादा अधिक सीट आने वाली है पूरे भारतवर्ष में। और भारत के जो भी जनता है, महिला हो, पुरुष हो, दलित हो, वंचित हो और आदिवासी जिस समुदाय के भी लोग हो, सबों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में अपना विश्वास दिखाया है, तभी इतनी ज्यादा सीट प्रधानमंत्री जी अपेक्षा कर रहे थे जिसको साकार होता वो देख पा रहे हैं। विपक्ष ने जो ये दावा कर रहा है कि उनको जो है 295 प्लस सीट आने वाले हैं, कितना दम लग रहा है इस दावा में? देखिए, दावा में दम तो हमको कुछ नहीं लगता, हमको लगता है कि जो 295 कहा जा रहा है ना उसमें से 2 को आप हटा दीजिएगा, 95 भी अगर वो आ जाएगा ना तो वो बहुत बड़ी उसकी उपलब्धि होगी। हमको लगता है कि 50 के अंदर वो सिमटने वाले हैं, पूरा जो आपका वो क्या कहते हैं महा ठगबंधन या इंडिया अलायंस कहते हैं उनको। ये जो 400 पार का नारा है क्या लगता है कितना सही होने वाला है? देखिए, हम लोग को तो पूर्व से ही अनुमान था, जिस प्रकार हम हर गांव में जाकर देखे हैं, विजिट किए हैं और लोगों से संपर्क किए हैं, लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जो समर्पण भाव है और उनके काम के प्रति जो लोगों में संतुष्टि है और उस संतुष्टि का जो गारंटी नरेंद्र मोदी जी बने हैं उनको देख के हम लोग को पूर्वानुमान हो गया था ये 450 के आसपास भी जीत जा सकती है। 4 जून को सही साबित होने वाला है? एकदम बिल्कुल सही साबित होगी, हम लोग भारी बहुमत से जीत रहे हैं। ऐसे विपक्ष लोग अपना हल्ला कर रहे हैं कि भाई हम लोग को 295 सीट आएगी, लेकिन वो अपना अपना मानने की बात है, लेकिन हम लोग कार्यकर्ता में हम लोग जो ने जहाँ भी संपर्क किए हैं, जहाँ भी हम लोग रुझान जाना है, हम लोग का अपना अंदाज़ा है कि 400 पार जरूर जाएगी, हम लोग भारी बहुमत से जरूर जीत रहे हैं, मोदी जी फिर आज गद्दी पर बैठेंगे। ये हमारे कार्यकर्ता सबों कार्यकर्ता के महिला हो या पुरुष हो, बूढ़ा हो, बच्चे हो, सभी की एक ही आवाज़ आ रही है कि हम लोग भारी बहुमत से जीत रहे हैं। इतनी बड़ी जो जीत होने जा रही है क्या जी, कारण रहा? कारण ना है उनकी जो विचारधारा है, जो समाज में उनकी प्रति लोगों के प्रति जो उनका समर्पण है, यही विचारधारा है। आज 70 सालों से हम लोग विभिन्न दलों के द्वारा छले गए हैं, आज जिनकी सरकार अस्थायी रूप से बनने जा रही है, 10 वर्षों से उनकी जो कार्यकाल में उनकी जो विकास की गंगा बही है उसमें हम लोग उनके साथ है और कदम मिला करके हम लोग, हम युवा वर्ग, बूढ़ा वर्ग, महिला वर्ग, बच्चे वर्ग, हम उनसे आशा रखते हैं आगे 5 साल उनका जो कार्यकाल रहेगा हम लोग का सराहनीय रहेगा, आगे भी उनका जो उनका काम होगा हम लोग आशा करते हैं कि जितने भी जनता हैं उनके समक्ष हम लोग पूरी बहुमत से हम लोग उनकी समर्थन में हम लोग स्वरूप रहेंगे। परिचय, मेरा नाम सुशील कुमार गुप्ता हुआ, OBC उपाध्यक्ष जिला दरभंगा। अपना दावा लगा रहा है कि 295 प्लस सीट आने वाला है, इस दावा में कितना दम? दावा में कोई दम है नहीं। अब लोग कहते हैं ना कि वो कुछ तो बोलने के लिए चाहिए, तो वो बस बोल रहे हैं, और ये जो भी उनका दावा है उसके दावा में कोई दम नहीं है, वो तो रिजल्ट ही बताएगा उनके दावा में कितना दम है। लेकिन जैसा कि उन्होंने बताया कि बहुत भी जाएगा तो 50 से पार नहीं जाएगा, उतने पे ही वो सिमट के रह जाएंगे। ये जो 400 पार का नारा था
क्या यह सही साबित होगा? 100% सही साबित होगा। मोदी जी मतलब 3/3 बहुमत से जीतेंगे। ये जीत का इतना बड़ा जीत जो है, इसका कारण, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे मोदी जी का जो देश प्रेम के, देश के प्रति जो समर्पण है, देश के विकास के लिए जो समर्पण है, उसका सबसे बड़ा कारण वही है जो जनता के लिए उन्होंने काम किया है, पूरे विश्व में जो अपने भारत का नाम ऊंचा किया है, यही सबसे बड़ा कारण है। नाम बताइए। मेरा नाम ज्योति गुप्ता है, मैं जिला प्रवक्ता हूँ, सॉरी दरभंगा की नगर प्रवक्ता हूँ। जो एग्जिट पोल आया है, इस पर कितना विश्वास है, क्या लगता है कि एग्जिट पोल कितना साबित, सही साबित होने जा रहा है 4 जून? बिल्कुल 100% सही साबित होने जा रहा है इस बार, तो 400 पार बिल्कुल होने वाला है, क्योंकि अपोजिशन में कुछ दम ही नहीं है भाई, बिल्कुल 400 पार होगा इस बार। ये जो 400 पार का नारा था, क्या सही नारा था और सही साबित होने जा रहा है? बिल्कुल सही नारा था एकदम। हम लोग तो जश्न की तैयारी करने वाले हैं, 4 तारीख को जो उत्सव होने वाला है, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी शपथ लेंगे कुछ दिन बाद, तो बिल्कुल 400 पार तो इस बार बिल्कुल होने ही जा रहा है। अच्छा, ये एग्जिट पोल के मुताबिक जो इतनी बड़ी जीत होने जा रहा है, कितना इसका पीछे कारण क्या है? आप डेवलपमेंट देख सकते हैं अपने चारों तरफ, जो सड़कें बनी हैं, गांव-गांव तक बिजली पहुंची है, तो इससे बड़ा आप क्या ही मैं बोल सकता हूं, इससे ज़्यादा डेवलपमेंट क्या हो सकता है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है मोदी जी, हमारे मोदी जी के आने के बाद, तो सब लोग देख ही रहे हैं, तो बोलना इसमें क्या ही। क्या नाम? मृणाल मिश्रा। बीते शाम जो एग्जिट पोल आया है, उस पर कितना भरोसा है आपको, क्या लगता है कि एग्जिट पोल साबित, सही साबित होने जा रहा है? मैंने एग्जिट पोल तो देखा नहीं है, लेकिन न्यूज़ देखता नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन ये तो विश्वास सबको ही है कि मोदी जी आएंगे, उसमें तो सब लगे हुए हैं कि मोदी जी आ जाए। हाँ, ये वादा जो था 400 पार का, हाँ। इस वादा में कितना विश्वास है? पूरा विश्वास है। 4 जून तो सही साबित होगा वादा? जहाँ तक अभी तक जैसा माहौल लग रहा है चारों तरफ, पूरे शहर में, पूरे देश में, विश्वास तो है ही, सबको भरोसा है 400 पार होगा ही। एग्जिट पोल के मुताबिक ये जीत, इतनी बड़ी जीत होने जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण रहा होगा? इसके पीछे जो काम किया है बीजेपी ने, जो काम किया है भाजपा ने, जो काम किया है मोदी जी ने पर्सनली, बहुत सही रहा है, जो भी काम किया है सारे सब क्षेत्रों में, वो कारण रहेगा जीतने का। क्या नाम? मेरा नाम शुभेंद्र। ये जो एग्जिट पोल आया है, क्या कहेंगे एग्जिट पोल को देखते हुए, क्या नज़र आ रहा है? एग्जिट पोल हम लोग का सब पहले से ही नारा था 400 पार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक नारा था 400 पार, और ये 400 पार आपके सामने में नज़र आ रहा है एग्जिट पोल के माध्यम से, कि हम लोग 400 पार सही में, जो हम लोग का एक प्रयत्न था कि 400 पार किया जाए, तो इसमें हम लोग पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो आप एग्जिट पोल के माध्यम से आप देख रहे होंगे सभी न्यूज़ चैनल पे। आज आप लोग नारा भी लगाए हैं, क्या लग रहा है ये 4 जून का, यही जोश 4 जून को देखने को मिलेगा और खुशी? 4 जून को इससे ज़्यादा खुशी, फटाके और मिठाई आप लोगों के बीच में वितरण होगा, आप लोग भी उसमें सम्मिलित होइएगा, आप लोग उस साक्षात्कार रहिएगा कि कितने जोश खरोश से भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के पदाधिकारी सभी जगहों पे घर घर जाकर के मिठाई वितरण करेंगे, और हमारे देश के सभी जनताओं का धन्यवाद भी करेंगे। आप 4 तारीख को ये आप निश्चित रूप से आप देख लेंगे। दूसरी तरफ विपक्ष जो है 295+ का जो दावा लगा रहे हैं, कितना सही दावा है, क्या? देखिए, विपक्ष पहले ही हार चुकी है, विपक्ष में कोई दम नहीं है, क्योंकि विपक्ष में कोई प्रधानमंत्री का चेहरा ही नहीं है, तो जहाँ चेहरा नहीं होता है वहाँ दम नहीं होता है, जब दुल्हन ही नहीं है तो शादी कैसे क्या होगा। इतनी बड़ी जीत का क्या कारण रहा है, क्या? इतनी बड़ी जीत का कारण हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का जो है सबका साथ सबका विश्वास, उसके तहत हम लोग इस जीत को पार कर रहे हैं, और सभी लोग इसमें लगे हैं, सभी कार्यकर्ता मिलजुल करके लगे हैं, सभी गठबंधन NDA के सभी गठबंधन इसमें मिलके काम किए, इस वजह से हम लोग 400 पार करके आएंगे। नाम रमन महतो, जिला मंत्री OBC मोर्चा। ये जो एग्जिट पोल आया है, कितना सही साबित होने जा रहा है 4 जून को? 95% सही होगा। क्या लगता है विपक्ष जो लगातार अपना दावा पेश कर रहा है 295+, उनके दावा में कितना दम है, क्या कुछ बताइए? उनके दावा में कोई दम नहीं है, जो लोग झूठ बोल रहे हैं। ये 400 पार का जो नारा था 4 जून को सही साबित होने जा रहा है? 100% सही होगा। ये बता दीजिए, जीत का जश्न, इतना बड़ा जीत है जो एग्जिट पोल के मुताबिक, क्या लगता है कितना सही है, इसके पीछे कारण क्या है?
मोदी जी काम अच्छा किए हैं, जो भी दो टर्म रहे अच्छा काम किए उन्होंने। तो युवा हैं, युवा के लिए क्या किए हैं और युवा इस चुनाव में कितने भागीदारी में रहे? योजना भी उनका अच्छा रहा है पिछला, फिर नौकरी भी अच्छा खासा दिलाया है वो तो, और एक्टिव भी बहुत रहे वो सोशल मीडिया पर हर चीज़ में। क्या नाम? चैतन्य राज।